प्रियंका चायपड़ा ने कहा, मैंने निक जोनस को इसीलिए चुना क्योंकि वो अवेयर और कॉन्शियस लगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2021 के 14वें संस्करण की आज वर्चुअल शुरुआत हुई। इसमें पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा के जीवन पर लिखी गई किताब अनफिनिश्ड पर चर्चा की गई। राइटर शोभा डे से हुई वर्चुअल चर्चा में प्रियंका चोपड़ा ने कहा, मैंने निक जोनस को इसीलिए चुना क्योंकि वो अवेयर और कॉन्शियस लगे। निक में मुझे सेंस ऑफ बैलेंस नजर आया। प्रियंका ने कहा, एक बार मैं मीटिंग के सिलसिले में विदेश गई थी, तब वहां हम दोनों को हमारे फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना था। तब मैं निक का ध्यान आकर्षित करने के लिए बार बार कह रही थी कि कोई मुझे मीटिंग में जाने से रोकने के लिए मजबूत वजह दे तो मैं रुक जाऊंगी। थोड़ी देर बाद निक ने मुझे पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें अपनी मीटिंग कैंसिल करने को नहीं कहूंगा क्योंकि तुम कठिन परिश्रम कर इस मुकाम पर पहुंची हो। वो बात कहकर निक ने मेरे काम के प्रति आदर व सम्मान व्यक्त किया जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। इससे पहले साइंस म्यूजियम ग्रुप के डायरेक्टर इयान ब्लेचफोर्ड और साइंस म्यूजियम लंदन के हेड ऑफ कलेक्शन और प्रिंसिपल क्यूरेटर डॉक्टर टिल्ली ब्लीथ ने द आर्ट ऑफ इनोवेशन विषय पर अपने विचार रखे। फेस्टिवल के पहले दिन 18 सेशन हुए। इन मुद्दों पर भी हुए सेशन विश्व प्रसिद्ध कालबेलियाई डांसर गुलाबो सपेरा संग लेखक तृप्ति पांडे ने कन्वर्सेशन किया। इसमें गुलाबो ने अपनी जीवन यात्रा और अपने प्रेरणाओं की अविश्वसनीय कहानी साझा की। गुलाबो ने बताया कि कैसे उनके बचपन के जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उससे निकलकर वे आज यहां पहुंची है। इसके अलावा शशि थरूर, प्रसून जोशी, करण थापर सहित कई जानी मानी हस्तियों के सेशन हुए और देश की राजनीति, संविधान, कला एवं संस्कृति सहित कई अहम विषयों पर चर्चा की।